कमिश्नरी में जो लोग पटना जाते थे, पता चला गांधी सेतु पे फंसे और वहीं से हमारी प्लेन मिस हो गई। लेकिन अब मुंबई जाना हो, बेंगलोर जाना हो, दिल्ली जाना हो, कल कोलकाता जाना हो, कहीं भी जाना है, अब इंडिया के लगभग हर जगह के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट तो ज़रूर ही मिल जाती है। हमें सफ़र कर रहे हैं, एवरीडे का ये नाटक है, एक दिन का नाटक नहीं है। वो आना है टाइम से, लेकिन उसको कब जाना है उनको ही पता है, क्या करेंगे। तो ये जो लेट हो रहा है, क्या लगता है कि एक का मोनोपोली है स्पाइस जेट का? उस पर मोनोपोली है एकदम 100%, ये तो सबको समझ रहा है, पूरा पब्लिक ऑल टू जेट मोनोपोली है, नहीं तो दूसरा भी देता। 21st को कर दिया तो स्पाइस जेट का सर्विस भी अच्छा नहीं है, मनमानी करता है, 15 किलो से 1 किलो वजन बढ़ जाएगा तो बहुत चार्ज लेता है। इंडिगो वाला थोड़ा रिलैक्स करता है, तो इंडिगो का सर्विस बहुत अच्छा है। सर मनमानी तो है ही, इसमें हम क्या कहें, देख ही रहे हैं, दुनिया देख रहा है, इसलिए करके कि यहाँ जो है एक कंपनी चल रही है इंडिगो और एक कंपनी चल रही है एसफाइजेड। ये दोनों कंपनी, इंडिगो का तो मिला जुला के उसका जो है टाइमिंग सही है, आने का भी दरभंगा और दरभंगा से जाने का। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ पर आपका स्वागत है, मैं हूं मनोज। देखिए दरभंगा एयरपोर्ट पर हम हैं, ये है दरभंगा एयरपोर्ट का ये दृश्य देख सकते हैं आप। यहां उड़ान स्कीम योजना के तहत इसे प्रारंभ किया गया था और 31 अगस्त को, यानी इसी 31 अगस्त को संजय कुमार झा जो राज्यसभा सांसद हैं, उनके द्वारा एयरपोर्ट के गेट पर यात्री शेड और पेवर ब्लॉक निर्माण कार्य हुआ है, देख सकते हैं ये आप। ये देखिए, देखिए यहाँ पर यात्री शेड है, मोटरसाइकिल भी आए जा रहे हैं और आपको बता दें पंखा तो लगा हुआ है, लेकिन पंखा चल रहा है कि नहीं चल रहा ये देखना लोगों ने। ये देखिए ये स्विच है, ये देखिए ये स्विच ये है, लेकिन पंखा नहीं, क्या पंखा चल रहा है क्या? जी नहीं, पंखा चल ही नहीं रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा है। अच्छा, तो ये मैं तो 1 घंटा से बैठा हूँ यहाँ पर। अच्छा, कहाँ जाना है? नहीं, मेरे को हमारा बच्चा आ रहा है, उसको लेके जाना है बिरदीपुर। भी तो लगेगी ही ना। एक एयरपोर्ट जो दरभंगा में हुआ है, इससे कितना लगता है कि आपको फ़ायदा पहुँच रहा है लोगों को? कहाँ कहाँ की अभी फ्लाइटें हैं, नहीं हैं, चल रही हैं, क्या दिक्कत? ये तो वेल नोन है, आप लोग मिथिला न्यूज़ से हैं तो आप एक चीज़ समझ लीजिए कि इतनी सुविधाएँ जो हमें मिली है ये केवल हमें नहीं मिली है, पूरे मिथिलांचल वासियों को मिली है। और इस कमिश्नरी में जो लोग पटना जाते थे, पता चला गांधी सेतु पे फंसे और वहीं से हमारी प्लेन मिस हो गई। लेकिन अब मुंबई जाना हो, बेंगलोर जाना हो, दिल्ली जाना हो, कल कोलकाता जाना हो, कहीं भी जाना है, अब इंडिया के लगभग हर जगह के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट तो ज़रूर ही मिल जाती है हमें। सो बहुत अच्छा। लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि बहुत से लोग अब प्रीफर कर रहे हैं यहाँ पर, रेट को लेकर के, जो यहाँ पर फेयर है उसको लेकर के। देखिए आप ये इस चीज़ को आप वेल नोन है कि किसी एक कंपनी की जब तक स्वायत्तता कहीं रहती है, एक दो कंपनी की जहाँ तक स्वायत्तता, कोई भी अगर इकलौता वारिस है किसी भी चीज़ का तो वहाँ वो अपना ना मोनोपोली करते हैं, तो नेचुरल है। स्पाइस जेट का मोनोपोली हो, स्पाइस जेट मोनोपोली भी है। दूसरी बात ये भी है कि ऑप्शन नहीं है लोगों के पास में, अभी भी पटना जाना आना पूरे दिन पूरे फैमिली को डिस्टर्ब करने के बराबर होता है। लेकिन इस कमिश्नरी के लोगों के लिए ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज है और हम लोग कह रहे हैं इसमें नया बना है। अच्छा। कनेक्शन नहीं किया गया है, नहीं किया कनेक्शन। विकास का जो बात है वो एयरपोर्ट का विकास हो रहा है, हो रहा है। इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ से जाते हैं और आते हैं, देखा जाए काफ़ी भीड़ रहती है, लोग कुछ इंतजार करते हैं जाने के लिए और कुछ आने के लिए। कहाँ जा रहे हैं आप? हम अभी दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली जा रहे हैं जी। कितनी बार यहाँ से गए हैं? पर जो सुविधा मुहैया कराई जा रही है, जो व्यवस्था है, देखिए अभी फ्लाइट है दिल्ली के, सभी लोग जा रहे हैं। आप कब से आते हैं? 1 साल से बराबर आ रहा हूँ, जा रहा हूँ। कैसा लग रहा है, क्या सुविधा जो सरकार दी है क्या प्रॉपर है, या इसमें क्योंकि 26 तारीख को प्रधानमंत्री उद्घाटन भी करने वाले? अभी उतना प्रोग्रेस नहीं हुआ है, आस्ते आस्ते प्रोग्रेस होगा, एकाएक तो कोई काम होता नहीं है, वो आस्ते आस्ते बढ़ेगा काम, अभी भी ठीक है। फिर भी सिर्फ स्पाइस जेट एक है जिसकी वजह से मोनोपोली हो गई है, फेयर को लेकर के, सब को लेकर के, क्या लगता है?
नहीं ये तो गाड़ी एरोप्लेन जो है बराबर राइट टाइम नहीं जाता है, इसका एक प्रॉब्लम है। फेयर ज़्यादा, फेयर फेयर भी ज़्यादा है, फेयर बहुत एक्सेस हो जाता है, दो ही दिन में, चार दिन में, चार महीना भी निकालिए तो फेयर ज़्यादा होता है, ट्रैफिक ज़्यादा है, ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे उतना सुविधा नहीं है अभी भी। रिसीव करने मुंबई से क्या लगता है कि यहाँ पर टाइम का भी शेड्यूल नहीं हो रहा है, फेयर भी ज़्यादा हो रहा है, तो ये शेड्यूल क्यों नहीं हो रहा है? जो सिस्टम है यहाँ पे वो थोड़ा सा सरकार को सुधारने की ज़रूरत है। जो हम लोग जैसे कि कंटिन्यू दरभंगा ही आ रहे हैं, मैं तो खैर गल्फ से आता हूँ, लगातार दिल्ली से दरभंगा, दरभंगा से दिल्ली, दिल्ली से फिर बाहर। इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे बनाने की बात चली थी, आपको मालूम है ना? इंटरनेशनल के लिए तो खैर पॉसिबल नहीं है, लेकिन डोमेस्टिक में ही उसकी टाइमिंग सही करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्या लगता है कि एक एक एयरलाइंस है जिसके मनमानी प्रॉब्लम हो रही है, अगर दो और एयरलाइंस की, कल संजय झा ने कहा है कि दो और एयरलाइंस के लिए उन्होंने बात किया उड्डयन मंत्री से, एक आपको आकांक्षा और एक जो है सो इंडिया गो, तो इसको लेकर के क्या लगता है? कौन सा बोल रहा है आप? एयर इंडिया? हाँ, एयर इंडिया, एयर इंडिया की बात पहले चली थी, लेकिन यहाँ पर आकांक्षा और दो की बात चली है। नहीं, फ्लाइट अगर बढ़ेगी तो बहुत अच्छी बात है दरभंगा वासी के लिए, और ख़ास करके दरभंगा, मुजफ्फरपुर, इधर जितना भी मिथिलांचल पड़ता है उसके लिए तो बेहतर है ही है, और हम लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हम लोग पहले पटना आते थे, अभी दरभंगा घर पर हो गया एयरपोर्ट। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या है टाइमिंग की, क्योंकि जो लोग गल्फ़ यहाँ से जाते हैं उनकी कई बार ऐसा भी हुआ है कि हमारे जानने वाले दोस्त यार उनकी फ़्लाइट भी छूट चुकी है, जैसे कि टिकट यहाँ से कनेक्टिंग में यहाँ से मुंबई गए, मुंबई से यहाँ लेट हो जाएगा तो आप मुंबई कैसे पहुँचिएगा? तो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर टाइमिंग। इंडिगो तो ऑलरेडी आती है ना यहाँ पे कि यहाँ स्पाइस जेट को बंद कर दिएगा पहले था कुछ नहीं, तो ज़रूरी है कि इंडिगो को इसको यहाँ तीन एयरलाइंस हो जाए। और हम बता दें कि देखिए यहाँ पर भीड़ तो रहती है, लोग तो रहते हैं, और बोलने के मन में है तो बोल सकते हैं ताकि आप लोग को सुविधा मिले। क्या यहाँ पर टाइम ठीक है सबका? जहाज का हम क्या बोले भाई, हम पहला बार आए हैं। तो और तो खुशी होनी चाहिए, जा रहे हैं कहीं बाहर या नहीं? नहीं, बच्चे को छोड़ने के लिए। अच्छा, बच्चे को छोड़ने हैं। देखिए तो कहाँ जा रहे हैं? हम नहीं जा रहे, हमारे बड़े भाई गए हैं, चले गए। तो चले गए जी। तो मिथिला में इस तरह का अगर उड़ान योजना के साथ चला है तो कितना खुश हो गए आप, कितना लग रहा है? सही है बिल्कुल, मतलब ये है कि आसान हो गया यहाँ का, खुल गया तो लोग बाग को जाने में प्रॉब्लम नहीं होती है। अच्छा, हाँ, घर के पास है, अपना आया जल्दी से चला गया। जिस पे सुविधा होनी चाहिए, क्या क्या सुविधा की आपको? सुविधा ये होनी चाहिए कि टाइम टेबल होना चाहिए, जो परफेक्ट टाइम होना चाहिए आने और जाने का, और प्लस कि कोई चलती है कि टाइमिंग सही नहीं होने की वजह से ये समस्या हो जाती है। और ख़ासकर एक स्पाइस जेट है, आप कहाँ जा रहे हैं? मुंबई जा रहे हैं हम। तो क्या लगता है टाइमिंग यहाँ की इस व्यवस्था? तो लगभग हम 4 साल से सफ़र कर रहे हैं, एवरीडे का ये नाटक है, एक दिन का नाटक नहीं है। वो आना है टाइम से, लेकिन उसको कब जाना है उनको ही पता है, क्या करेंगे? तो ये जो लेट हो रहा है, क्या लगता है कि एक का मोनोपोली है स्पाइस जेट का? उस वक्त मोनोपोली है एकदम 100%, ये तो सबको समझ रहा है, पूरा पब्लिक को, ऑल टू जेट मोनोपोली है, नहीं तो दूसरा भी देता। तो क्या लगता है कि इसमें कोई साजिश है कि मिथिलांचल के लोगों को परेशान करने के लिए एक ही 4 साल से एक ही? तो अपने को पता नहीं जो साजिश है कि क्या है, जेट को दो को दिया जा रहा है। सो इसके वजह से लगता है कि अब आसान होगा, फेयर भी ज़्यादा है और टाइमिंग भी नहीं। फेयर से तो अपने को कोई मीनिंग नहीं है, फेयर चाहे जो भी हो, लेकिन टाइमिंग का जो है ना, आने के लिए आदमी को घाय रहे है, इधर आने के बाद वेटिंग करो आप समय के लिए, मतलब बहुत इंतजार करना पड़ता है। जो भी मीटिंग सीटिंग है अगर उसमें पहुंचना है तो आप पहुंच नहीं पाएंगे, अगर हम लेट आएंगे तो हमारा तो रिटर्न नहीं करने वाले हैं ना, रेन जो भी है किराया। क्या सुधार चाहते हैं आप यहाँ के दरभंगा? एक तो अच्छा कंसेप्ट है कि बिहार दरभंगा के लिए, तो क्या अच्छा टाइम टू टाइम जाना चाहिए, पब्लिक को क्या है उससे हरासमेंट हो रहा है, पूरा हर आदमी परेशान है, मैं ही परेशान नहीं हूँ, सब परेशान है, लेकिन इसका कोई टाइमिंग का तो गुना भाग है ही नहीं। अपना कई बार चर्चा चला है कि एक स्पाइस जेट को अगर दिया जाता है तो उससे कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जाना है? दिल्ली जा रहे हैं। तो क्या लगता है कि यहाँ की जो सुविधा है, क्या लगता है? क्या यार, हम बहुत मुश्किल से इधर आते हैं, पहली दफ़ा आ रहे हैं, अभी देखेंगे तब न कि क्या है। पहली दफ़ा जा रहे हैं? हाँ। तो चलिए, बहुत से लोग हैं पहली दफ़ा भी जा रहे हैं, लेकिन हम बता दें कि कई बार आप कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं हम सिंगापुर। यहाँ सफ़र किए हैं सिंगापुर? यहाँ कितनी बार सफ़र किए हैं आप यहाँ से? यहाँ से हम 10-15 बार किए हैं। तो क्या लगता है, क्या ऐसी सुविधाएं हैं जो कि होनी चाहिए? आप कई जगह भी गए हैं,
उड़ान योजना स्कीम के तहत भी रेट फेयर का भी वही हाल है, टाइमिंग का भी वही है। क्या लगता है कि एक स्पाइस जेट की मोनोपोली की वजह से हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, लेकिन अभी तो इंडिगो से अभी जा रहे हैं कलकत्ता। अच्छा, हाँ तो इंडिगो भी चल रहा है। इंडिगो का अच्छा व्यवस्था है। इंडिगो का अच्छा, हाँ स्पाइस जेट बहुत प्रॉब्लम करता है। मेरा अभी बॉम्बे से यहाँ तक का था 19 का 21 को कर दिया, तो स्पाइस जेट का सर्विस भी अच्छा नहीं है, मनमानी करता है। 15 किलो से 1 किलो वजन बढ़ जाएगा तो बहुत चार्ज लेता है। इंडिगो वाला थोड़ा रिलैक्स करता है, तो इंडिगो का सर्विस बहुत अच्छा है और उसका इंटरनेशनल कनेक्टिविटी रहता है, इसकी वजह से भी उसका सर्विस अच्छा है। लेकिन हाँ इंडिगो का बहुत अच्छा है। स्पाइस जेट बहुत प्रॉब्लम करता है और बदमाशी भी करता है, उनका स्टाफ बिहेवियर भी अच्छा नहीं है, और इंडिगो का मेरे को ज़्यादा प्रेफर्ड है। तो आप लोग बता रहे हैं कि मनमानी की वजह से ऐसा हो रहा है? सर मनमानी तो है ही, इसमें हम क्या कहें, देख ही रहे हैं, दुनिया देख रहा है, इसलिए करके कि यहाँ जो है एक कंपनी चल रही है इंडिगो और एक कंपनी चल रही है एसवाई जेड। ये दोनों कंपनी, इंडिगो का तो मिला जुला के उसका जो है टाइमिंग सही है आने का भी दरभंगा और दरभंगा से जाने का भी जो है, बाकी एसवाई जेड का जो है 2-3 फ्लाइटें चलते हैं 2-3 जगह से, जैसे दिल्ली हो गया। हाँ कहाँ की चल रही है फ्लाइट? जैसे दिल्ली हो गया, बॉम्बे हो गया, ठीक है, ये दो जगह की जो एसवाई जेड है और दो जगह की इंडिगो है, कलकत्ता का और हैदराबाद का। ये दोनों का जो टाइम, बेंगलोर का तो अभी चल रहा है? नहीं, बेंगलोर का जो है सुन रहे थे आज 6 महीना से कि अब आएगा, लेकिन बंद किया, दोबारा चालू नहीं किया अभी तक जो है। कम से कम 1-2 कंपनी और भी जो है कम से कम यहाँ देना चाहिए। एयर इंडिया की बात हो रही थी कि एयर इंडिया भी आएगा, अब तो आकांक्षा की बात हुई है यहाँ पर जो है। हाँ तो सुने तो हैं, लेकिन ये चीज़ अभी तक जो है आए नहीं है, जब आएंगे तभी तो। 9 फ्लाइट चलती थी, 18 उसका अप एंड डाउन था, आना जाना जो है 18 था। जब यहाँ से जो है अभी जो है किसी दिन 4 होता है, आना जाना 8 होता है, किसी दिन जो है 10 होता है, किसी दिन 6 होता है आना जाना। जब यात्री इतना बढ़ गए हैं, कहा जाता 5 लाख यात्री सालाना यहाँ से सफर के, जी, ये जी, सब जी, जी, जो जी, नेता हैं दरभंगा के जी, जी, वो मिथिलांचल वो बोलते हैं कि यहाँ ज़्यादा यात्री बढ़ गए हैं 5 लाख। जी 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 जी, ये फ्लाइट कम क्यों हो गया सर? ये फ्लाइट तो अपना मनमानी है, ये फ्लाइट तो मनमानी है। अब ये तो जो है सर ऊपर वाला ही देखेंगे कि कहाँ से क्या कमी है, कहाँ से क्या जोड़ा जाएगा जो है, इसमें तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। क्या क्या कहना है किस बारे में? फ्लाइट कम हो गई है, मनमानी है, एक की चल रही है यहाँ तो मनमानी तो चलिए रहा है, यहाँ पर कोई नहीं है देखने वाला। कहा जा रहा है कि 5 लाख यात्री आते जाते, क्या लगता है कि यहाँ के यात्री शिफ्ट भी किए हैं पटना जाने के लिए? हाँ, पटना है। पटना जा रहे हैं। पहले शुरू में जब हाँ हुआ था हाँ, तो यहाँ 12 फ्लाइट थी, 12 उसके बाद 18 हाँ, और अभी यहाँ 4-5 फ्लाइट आ रही है, 8-12 अप डाउन होते हैं अभी जो है, भाग रहे हैं सर सब पटना का तरफ मुख मोड़ लिया गया है। 18 अप डाउन यहाँ पर थे, 9 फ्लाइट संचालन था, लेकिन स्पाइस जेट की मनमानी की वजह से इस पर जो है लोगों का मन उतर गया। फेयर लेकर के भी वही है, फेयर अचानक बढ़ गया, जबकि उड़ान में योजना के तहत ज़्यादा फेयर नहीं होनी चाहिए, वो भी बढ़ गया। इसके अलावा जो टाइमिंग है वो टाइमिंग भी बराबर देर लेट होता, आने का तो है जाने का कोई नहीं होता, जिससे यहाँ के लोग परेशान हैं, कड़ी धूप में रहना पड़ता है। देखिए यहाँ पर भीड़ तो बड़ी है, लोगों के बीच आशा तो जगी है कि चलो दरभंगा में एयरपोर्ट खुला है, लेकिन जो सुविधा है वो होनी चाहिए, क्योंकि लोग जो एयरपोर्ट से जाते हैं, जो फ्लाइट से आते जाते हैं, वो समझिए वो चाहते हैं कि उन्हें अधिक सुविधा मिले, ताकि वो पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सुविधा अगर नहीं मिले तो एक सवाल निश्चित तौर पर उठता है सरकार पर। सीनियर आदमी है यहाँ के, नेता आदमी है वो, कौन ये आदमी जो है इधर दरभंगे डिस्ट्रिक्ट का सारा कौन चीज़ कौन है आदमी ये जी जी ये तो बोल नहीं रहे हैं, कुछ बोलना चाहिए कैसे नहीं वही बोल रहा था कि तो चलिए व्यवस्था को घेर के रखते हैं। देखिए बहुत लोग से भी हम बोलने का भी प्रयास करेंगे, एक मिनट, आप बहुत कुछ जानते भी हैं, तो क्या लगता है कि ये जो व्यवस्था है उस व्यवस्था पर और क्या होना चाहिए? क्योंकि एक तो अच्छी बात है कि यहाँ पर व्यवस्था इसमें सुधार होना चाहिए कि जैसे फ्लाइट है एक बैग कैंसिल हो जाता है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। यहाँ कंफर्म नहीं है कि मेरा अगर सऊदी का फ्लाइट है 3 बजे यहाँ से निकल रहे हैं, एक बैग कैंसिल हो जाता है, मदर थोड़ा सा मौसम ख़राब हुआ कैंसिल हो गया फ्लाइट, तो ये बहुत बड़ी समस्या है, ये सब सुधार होनी चाहिए। आप ये सब आवाज़ जो है मजबूती से उठाइए ताकि व्यवस्था सही हो।
लोगों का जो है टिकट मिलों की आवाज़ उठाने पर ही व्यवस्था कुछ को सुधर रही है, क्योंकि हम लोग लगातार समय को लेकर के फेयर को लेकर, क्योंकि यहाँ से लोग पटना से आप जाने लगे हैं, ये निश्चित तौर पर इससे नुकसान पहुँच रहा है। और जो दरभंगा एयरपोर्ट है, जिस पर बार बार बड़े बड़े नेता अपने कॉलर उठा के कहते हैं कि हमने ये किया हमने वो किया, उन्हें भी समझने की आवश्यकता है कि दरभंगा एयरपोर्ट में सुख सुविधा पूरी तरह दिया जाए। देखिए कितने लोग हैं और सभी की आकांक्षा है, देखिए किस तरह लोग आते हैं बच्चों को लेकर के। और ये है दरभंगा एयरपोर्ट जिसकी हालात हम दिखा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो यहाँ कमी है। लोगों में उत्तेजना है, लोगों में आकांक्षा है कि ज़्यादा से ज़्यादा दरभंगा एयरपोर्ट का इस्तेमाल करें, लेकिन अगर एक का मनमानी चलेगा तो यहाँ से जितने भी पैसेंजर हैं वो दूसरी ओर चले जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, जिससे यहाँ उड़ान योजना ठप पड़ सकती है। तो देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज़, यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कीजिए, GTPL और सिटी केबल चैनल पर 24 घंटे मौजूद हैं। धन्यवाद।